Hello guys, myself Kamal and welcome back to my YouTube channel. So इस ये जो वीडियो है ये होने वाली है हमारी सेकेंड पार्ट जो हमारा DIY ग्लास बॉटल्स था उसका. तो अगर पहले तो किसी ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे वीडियो नहीं समझ में आएगी, तो सबसे पहले जाके उसका पार्ट वन देखिए और देन पार्ट टू देखो. और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो फाइनल लुक है मेरी बॉटल्स का, और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ टिप्स कि मैंने क्या गलती करी और आपको गलती मत करना है या फिर हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो पहले जाके देखते हैं फाइनल लुक. सो बैक अगेन. तो अगर आप लोगों को सबसे पहले तो फाइनल लुक पसंद आया है ना बॉटल्स का, तो जाके वीडियो लाइक कर दो और शेयर भी कर देना. और दूसरी चीज ये कि तो आप बारी आती है कुछ टिप्स की. तो फिर देखो सबसे पहली चीज क्या है जो हमारी बॉटल्स है. हाँ, सबसे पहले बात है इस फैसल की. तो अगर आपको भी ऐसे फैसल बनाना सीखना है ना, तो आप YouTube पे कहीं भी सर्च कर सकते हो कि हाउ टू मेक टेसल. आपको ये टेसल बनाने का तरीका पता चल जाएगा. और अगर वहां पे आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, हम इसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं. ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ कि मैंने क्या गलती की. सबसे पहले तो मैंने इस पूरे में फेविकॉल नहीं लगाया था, मैं बस थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में लगा रही थी या फिर मिड में लगा रही थी या फिर एंडिंग में. तो वो चीज गलत है, आपको इस पूरे पे फेविकॉल लगाना है ताकि सारे थ्रेड्स जो है वो चिपक जाए अच्छे से. वरना ना ये जैसे इसमें ऐसे 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 स्पेस हो गई तो ये नहीं होगी. ठीक है, और रही बात कलर्स की, तो ये जो ग्लास कलर्स है ना, इसको जब आप यूज करोगे तो ये तब आपको लगेगा कि ये बहुत मतलब लाइट है या फिर बहुत एक थिन लेयर होगी जिससे आपको सच्ची में लगने वाला है कि इसका कोई शो नहीं होगा. पर ऐसा कुछ नहीं है. मेरे से केमिस्ट्री हुई थी स्टार्टिंग में, मैंने उसके ऊपर ना डबल लेयर करी जिस वजह से वो मतलब बहने लग गई थी, मतलब एक दूसरे में मिक्स होना शुरू हो गया था, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. बट आप क्या करना, सिर्फ एक ही लेयर इसकी लगाओगे ना तो भी वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सूखने के बाद वो थोड़ा डार्क हो जाएगा और वो अपना काम अच्छे से करेगा. और रही बात इस बॉटल की, तो इस बॉटल में क्या करती थी, जो हमारे पास आउटलाइनर आता है ग्लास आउटलाइनर्स, तो उसका क्या है कि अगर आपको कुछ ऐसा बॉक्सेस टाइप वाला करना है या फिर कुछ भी है, तो कोशिश करो कि आप आउटलाइन थोड़ी थिक करो. मतलब मेरी बहुत पतली थी तो वो फैल चुका था, क्योंकि एक तो ये थोड़ा मतलब ऐसे है और इस वजह से, तो फिर मेरे को उसके ऊपर दोबारा आउटलाइन करनी पड़ी थी काफी थिक सी. तो आप इस बात को ध्यान में रखें. और इन बॉटल्स में पूरी पर एक साथ कलर ना फिल करें. अगर आप यहाँ फिल कर रहे हो कलर, तो इसको ऐसे ही कलर फिल करो और इसको ऐसे ही रखा छोड़ दो, हिलाना मत इसे. ठीक है, उसके बाद जब ये पोर्शन आपका सूख जाए, एटलीस्ट इतना सूख जाए कि वो फिर आपका बह नहीं रहा है, ठीक है, तब आप इसके इस साइड पे कलर करो. और फिर इसको ना कोशिश करो कि आप ऐसे रखो कि ये चीज इतना प्लेन रहे. ठीक है, तो बॉटल्स की तो यही बात थी. और आप इसका जो ये होता है अंदर का पार्ट, बहुत इजी किसी भी नाइफ वगैरह से हटा सकते हो. मेरा तो काफी इजी हट गया था. ठीक है, और हाँ, अगर आप ग्लास कलर्स या फिर ये आउटलाइनर्स यूज कर रहे हो, तो सबसे मेन बात कि अपनी कोई भी नई टी शर्ट या ऐसा कुछ पहन के ना करो. जो भी आप
बेकार या उसके ऊपर कोई निशान भी लग जाए या दाग लग जाए कलर्स का, तो आपको कोई दिक्कत ना हो ऐसे कुछ पहन के करो, क्योंकि वो निशान नहीं हटने वाला आप कितनी भी कोशिश कर दो। तो टिप्स तो बस यही थी, अब आप करते हो तो ध्यान रखते हैं सब चीजों का, और अगर कुछ भी ना समझ पाए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। तो यस, अभी के लिए तो यही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।